आज ब्रज नगरी में ठाकुर जी का आतंक शुरू हुआ, उधम चालू हुआ। ऐसा ऐसा उधम भगवान ने शुरू किया कि सुखदेव जी महाराज बार बार परीक्षित राजा को कहते हैं, हे राजन देखो, ऐसे नहीं करे सुनो। राजा परीक्षित को दसम स्कंद में सुखदेव जी बार बार सावधान करते हैं, हे राजन देखो, क्योंकि ये जो कृष्ण कथा ये सुनने वाली नहीं है, देखने वाली है। जब तक देखोगे नहीं आनंद नहीं आएगा। जब तक वो डर के मारे यशोदा की डांट से कांपते हुए ठाकुर जी को जब तक देखोगे नहीं, तब तक आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक दिन एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिने, एक दिन की बात है, सुबह दधि मंथन का समय हो रहा था। यशोदा मैया सुंदर श्रृंगार करके दही मंथन कर रही है। यहाँ सुखदेव जी ने यशोदा मैया का बहुत सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया है, बड़ा सुंदर श्रृंगार वर्णन किया है। सुखदेव जी केवल ऐसा नहीं कि कृष्ण कथा सुना रहे तो भगवान कृष्ण का ही वर्णन करेंगे, उनका ही श्रृंगार नहीं, क्योंकि जब भक्त लीला चिंतन करता है ना, तो उसमें उसको सब सोचना पड़ता है, सबका दर्शन करना पड़ता है। अब हमको क्या पता लीला चिंतन कर रहे यशोदा मैया कैसी दिखती है। अगर किसी ने ये पढ़ लिया कि 80 वर्ष की मैया थी जब लाला हुए थे, तो आज तो 80 वर्ष में कोई मैया डोकरी लगती है एकदम। अब यशोदा मैया को ऐसे देखने लग जाओगे कि भैया सफ़ेद बाल झुर्रिया पड़ी हुई और एकदम चेहरा लटका हुआ, तो वो थोड़ी ना यशोदा। इसलिए सुखदेव जी ने पहले ही वर्णन कर दिया, ऐसा वर्णन किया जैसे कोई 20-25 साल की कन्या बैठी हो। ये शास्त्रों में कैसे भगवान दिखते थे, भगवान के संग वाले कैसे दिखते थे, परिकर, वो सब लिखा है। तभी तो उनको देख देख के चित्र बनते हैं। ये जो चित्र बनाए जाते हैं ठाकुर जी के, राधा रानी के, नंद के, यशोदा के, ये कहाँ से, किसने बनाए, किसने देखा यशोदा मैया को, शास्त्रों ने दिखाया। उनको जो वर्णन है उससे फिर कोई बढ़िया उत्तम चित्रकार चित्र बनाता है, उस चित्र को फिर मान्यता मिलती है। अच्छा, ये आजकल के आड़े टेढ़े चित्र नहीं, ये तो आजकल लोग कुछ भी बना देते हैं। कई लोग तो भगवान को ऐसा कार्टून बनाते हैं कि बस पूछो नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान कोई खिलवाड़ थोड़ी, जो मन आया आड़ा टेढ़ा वैसा बना दिया। जो शास्त्र में भगवान के रूप का वर्णन है, वो चित्र का दर्शन करोगे ना, तो उससे मन खिंचता है उस ओर। ऐसे ही इधर उधर के किसी चित्र का दर्शन करोगे, उसमें उतना आनंद नहीं आएगा। तो कैसी है यशोदा, सुखदेव जी ने एक एक अंग का वर्णन किया। उस वर्णन को देख करके उस झांकी को दिखाया, मैया माखन बिलो रही है। और क्यों बिलो रही है, क्यों, किसको पता है, कन्हैया को और किसी के हाथ का माखन भाता नहीं, केवल मैया के हाथ का माखन निकला हुआ ठाकुर जी खाते। और मैया जो बिलो रही है ना, ऐसा नहीं कि वो जो माखन निकलेगा बस कृष्ण के लिए ही निकाल रही है, और भी लोग पाएंगे उसको, पर मैया का ध्यान बस ये कि मैं कृष्ण के लिए कर रही हूं। तो मैया यशोदा क्या सीख दे रही है हमें कि देखो, घर में सब माताएं भोजन बनाती हो, भोजन तो सब पाएंगे, पर आपको क्या सोच के बनाना है कि जो मैं भोजन बना रही हूँ ये अपने ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। पाए भले सब, बाद में सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे, पर उद्देश्य आपको ये रख के करना है, भावना ये रख के करनी है कि हम तो अपने ठाकुर जी के लिए रसोई बना रही हूँ, मैं तो अपने भगवान को खिलाऊंगी। और फिर घर की सफाई कर रहे हो, किस लिए सफाई कर रहे हो, बोले ये हमारे ठाकुर जी का घर है, अब उनके घर की सफाई नहीं रखेंगे तो हमसे घर छीन लेंगे, इसलिए उनका घर है, उनके घर की सफाई कर रहे हैं। ये भाव रख के घर की सफाई करो तो सफाई भी भजन है, झाड़ू पोछा भी भजन हो जाएगा। सारा जो कहते हैं ना खेल है, वो हमारी भावनाओं का है।